नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से कम्युनिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, वो कौन सी राशियां होंगी जिनमें आज कम्युनिटी बाजार में अच्छा मुनाफा लिखा है। ज्योतिष के हिसाब से कम्युनिटी बाजार में किस कम्युनिटी में कितनी मनी तेजी बनती नजर आ सकती है, नॉन एग्री कम्युनिटीज में कैसा रुझान रहेगा और शेयर बाजारों में कितना अच्छा मुनाफा देखने को मिल पाएगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश साठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, आपको याद होगा हमने अपने पिछले कुछ शो के अंदर आपको सोयाबीन के ऊपर कुछ अद्भुत अपडेट दिए थे। गवार सीड, चना, प्याज, कोरिएंडर, जीरा और हल्दी के ऊपर एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से की गई सभी भविष्यवाणियां अक्सर सत्य साबित होती हैं और वो सत्य साबित होती देखी भी जा रही हैं। आज के इस विशेष शो में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर क्या संभावनाएं बनेगी, इसके अतिरिक्त एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी और विशेषकर शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी। आपको याद होगा कि हमारे पिछले एपिसोड के अंदर हमने शेयर बाजार में कमजोरी की बात कही थी, वही कहा था कि निफ्टी और सेंसेक्स से बच के चले। कल लगभग 1300 से ज्यादा पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट दर्ज हुई और निफ्टी ने भी एक तरफा नीचे की तरफ गोता लगा दिया, जिसका अग्रिम विश्लेषण अनुमान हमने मार्केट टाइम्स के अपने सुबह के एपिसोड में दिया था। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो यानी कि कर्नल अजय जी ने जो कॉपर के बारे में और शेयर बाजार के बारे में बताया था कि कॉपर में तेजी बनी रहेगी, हमने बीते सत्र में देखा था तेजी थी जो कि आज भी बनती नजर आ रही है वायदा बाजारों के अंदर, और दूसरा उन्होंने कल भी शेयर बाजार में उठापटक का माहौल बताया था और आज भी देख रहे हैं कि शेयर बाजार के अंदर उठापटक का माहौल बनता नजर आ रहा है। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि राशियों के हिसाब से वो कौन सी राशियां होंगी जिनके सितारे आज कम्युनिटी बाजार में चमकने वाले हैं, किन राशियों में आज अच्छा मुनाफा लिखा है। अखिलेश जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु, देखिए भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं 1, 5, 9 या जो कि त्रिकोण के अंदर काल पुरुष के अंदर होती है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशियों के अंदर आज संभावनाएं मिश्रित रूप की बन सकती है और इसके अंदर आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना उनके लिए नहीं रहेगी, एक कदम आगे एक कदम पीछे की स्थिति रह सकती है। एक विशेषता, बड़े सौदों से उनको बचना चाहिए क्योंकि ये अग्निकारक राशियां अक्सर बहुत तीव्र निर्णय लेने के लिए विशेष इनका स्वभाव होता है, लेकिन कई बार बाजारों के अंदर धैर्य रखना उचित रहता है। तो मिश्रित रूप की संभावना है मेष, सिंह और धनु राशि के लिए। पृथ्वी तत्व की तीन राशियां 2, 6, 12, 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, इन राशियों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। धैर्य इनकी जो ताकत है, सही समय पर सही निर्णय धैर्य से लेने की जो इनकी खासियत है, वो आज मुनाफा दिलाने की स्थिति में रह सकती हैं। लेकिन छोटी अवधि के व्यापारी कारोबारी विशेष ध्यान दें, मुनाफा तुरंत वसूल कर लें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। तेज निर्णय, तेज दिमाग और तुरंत भापने की जो इनकी शक्तियां हैं वो अक्सर इनको लाभ दिलाती है। ज्ञान के साथ साथ तेज निर्णय इनकी विशेषता होती है। तो दोस्तों 3, 7, 11 आज विशेष फायदा दिला सकती है अपने जातकों को और आज ये मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगे। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां, धैर्य के साथ साथ में ये बहुत शांत राशियां होती हैं, ये बिल्कुल जल्दी से गुस्से में नहीं आती हैं और यदि इनको गुस्सा बनता है इनका तो बहुत धीरे धीरे बनता है और बाजारों के अंदर जो ये निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के बहुत धीमी गति से लेते हैं, तो अतः कई बार धीमी गति से लिए गए निर्णय परेशानियों का सबब बन जाता है। यदि मान लो, उसका उदाहरण दे रहा हूं, यदि मान लो आपको कोई कमोडिटी जींस के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये गिर सकती है,
लेकिन वो जब तक वो गिर नहीं जाती है पूरी तरह से, जब तक वो उसको देखते रहते हैं, ये उनकी कई बार ये परेशानियों का सबब बन जाता है कि अभी वो वापस आ जाएगा, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा रुक लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, इस तरह की उनकी कई बार समस्या हो जाती है। तो 4-8-12 जल तत्व की राशियों के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। आपकी धुलमुल नीतियां कई बार आपको परेशान कर देंगी, तो इसलिए बचना चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, जी तो अब हम कर्नल अजीत से जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा रह सकता है। कर्नल अजीत जी, कमोडिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों का हाल जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से और एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं, और वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा लिखा है, और किन कमोडिटीज से बचना चलना सही रहेगा एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो। देखिए, एग्रो कमोडिटीज के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभी चर्चा में है वो तिलहन के अंदर सोयाबीन है। सोयाबीन के अंदर अभी बहुत विशेष थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है, सोयाबीन के अंदर हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक और मैं आपसे चर्चा हो रही थी कि सोयाबीन जो है वो अभी बिल्कुल अपने हवा के घोड़े पे सवार होने वाला है, और वो तकरीबन हो भी गया है कि सोयाबीन के अंदर एस्ट्रोटेक्निकल के मुताबिक स्थिति के अनुसार आज मजबूती की संभावना बन सकती है। और कल भी आपको याद होगा हमने सोयाबीन के ऊपर विशेष चर्चा की थी, हमने कहा था कि सोयाबीन के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है, और ये लगभग चंद सप्ताहों के अंदर ही इन्होंने लगभग 25% की एक बड़ी तेजी सोयाबीन में निचले स्तरों से बन गई है। गौरतलब है कि सोयाबीन के ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी की कमी करना, स्टॉक लिमिट जैसी चर्चाएं करना, इससे कारोबारी और किसानों के अंदर बड़ा रोष था, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि आज से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले जब ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि फसल का टाइम है और इस समय इंपोर्ट ड्यूटी घट रही है, सोया डीओसी का इंपोर्ट की बात हो रही है, ये सब किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि जब 10,000-9,000 का भाव था, जब उसके बाद में जब 5,000 से नीचे बिकने लग गया, उस वक्त ये स्थिति करते ही किसानों के लिए या कारोबारियों के लिए अच्छी सूचना नहीं थी। उस वक्त आपको याद होगा अखिलेश जी, हमने एक आपको पैराग्राफ कहा था, हमने दो शब्द कहे थे कि यदि कमोडिटीज किसी के रोकने से चल जाए या किसी के रोकने से गिर जाए या किसी के चाहने से चढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। और सोयाबीन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, इसमें किसी एक संस्था एक देश की मर्जी से कुछ नहीं होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेशनल सीनियरों के ऊपर इसमें अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर तेजी आज भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, कर्नल अजय की एक बात और याद रखना कि कोई भी तेजी या कोई भी मंदी बड़े समय तक हम एक साथ काफी दिनों तक नहीं चलती है। क्या ये तेजी मंदी में बदल जाएगी? मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, जब मंदी थी हमने कहा था कि तेजी होगी, आप घबराओ मत, परेशान मत हो, हैरान मत हो, मंदी भी बन सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा विशेष एपिसोड का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम इसके ऊपर एक विशेष एपिसोड करेंगे, यदि मार्केट टाइम की इजाजत देगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक अग्रिम चेतावनी जरूर दे रहा हूं। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि सोयाबीन में तेजी तो है, लेकिन क्या आगे मंदी भी रहेगी, उसके लिए कर्नल अजय जी का विशेष एपिसोड देखना ना भूले, जो कि हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। कर्नल अजय जी, सोयाबीन के अलावा और कौन कौन सी एग्री कमोडिटीज हैं जिनमें आज अच्छे मुनाफा लिखा हुआ है? देखिए, सोयाबीन के अलावा मुझे टीएमसी यानी हल्दी के अंदर भी तेजी नजर आ रही है। हल्दी के ऊपर भी हमने एक चेतावनी दी थी आपको कि दक्षिण भारत के अंदर बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत जबरदस्त आज वहां पे बाढ़ राहत जैसे कार्यक्रम भी सरकार कर रही है, उससे हल्दी के फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हल्दी के अंदर आने वाले समय के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। जो भी हाजिर का काम करने वाले हैं, फिजिकल स्टॉक रखने वाले हैं, मसाले के कारोबारी हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि हल्दी को धैर्य से रखो, ये कमोडिटी धैर्य से ट्रेडिंग करने वाली है, जल्दबाजी सट्टाबाजी इससे थोड़ा सा बचें, अपनी क्षमता अनुसार काम कर लें। हल्दी के अंदर मुझे तेजी नजर आ रही है।
इसके अतिरिक्त एक और अखिलेश जी मुझे जो कमोडिटी के अंदर अच्छा मूवमेंट आज बन सकता है वो है कोरिएंडर यानी धनिया। धनिया के अंदर भी मुझे अच्छी मूवमेंट की संभावनाएं नजर आ रही है जी अखिलेश जी। जी तो यानी कि सोयाबीन, धनिया और हल्दी, ये तीन ऐसी कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और हम वायदा बाजार में वैसा देख भी रहे हैं। कर्नल अजय जी, हमारे साथ कुछ दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है। कर्नल अजय जी, हमने मूंगफली का बाजार भाव काफी तेज होते हुए देखा है, डिमांड भी अच्छी खासी निकलते हुए देखी है। अब जो दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ उनका ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि मूंगफली का बाजार आगे क्या रहेगा, क्या मूंगफली में और तेजी बनती नजर आ सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ऑयल सीड के अंदर जो ग्राउंडनट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी मानी जाती है और मूंगफली के ऊपर भी मेरा नजरिया अच्छा ही नजरिया है, मजबूती का नजरिया है। इसको धैर्य से अपने साथ अपने जो किसान बंधु हैं या कारोबारी बंधु हैं वो मूंगफली के को थोड़ा सा रोक के चले तो मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छे दाम मिलने की संभावना बनेगी जी। तो यानी कि मूंगफली को अभी थोड़ा रोक लें, कर्नल अजय जी की ऐसी राय है। तो मूंगफली के दाम में जिस हिसाब से भी तेजी बनती नजर आ रही है आगे जाके ये तेजी और देखने को मिल सकती है। कर्नल अजय जी, एक और दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि चने के रेट कब तक बढ़ेंगे? देखिए, चने के ऊपर पूरा देश उत्सुक है क्योंकि चना एक ऐसा कमोडिटी है जो हर घर की जरूरत भी है। चने के ऊपर आप मान के चले कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है चने के अंदर वो है कि रोकने की शक्ति, होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो होल्डिंग और रोकने की जो कैपेसिटी है, निश्चित रूप से मान के चले कि चने के व्यापारियों को बहुत परेशानियां पिछले कई महीनों से चल रही है। चने को एनसीडीएक्स के वायदे पे रोक, स्टॉक लिमिट, ये काफी ऐसी चीजें रही हैं जो कि चने के व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। उनका स्टॉक रुका हुआ है, लगातार सरकारी नाफेक भी बिक्री कर रही है, उसके बाद भी चने के अंदर वो तेजी नहीं आ पा रही है जो इसकी उम्मीद थी। अब एक बड़ा प्रश्न जो आपके दर्शक पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से एक ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि चने के अंदर तेजी या मंदी है। मैं यही कहूंगा कि चने के अंदर थोड़ा धैर्य रखें। आपने का दर्शकों ने और कारोबारियों ने, किसानों ने अपना चना काफी जिन्होंने रोक के रखा है अच्छे दामों की उम्मीद के अंदर, उनको शायद निराशा नहीं होगी। थोड़ा सा और धैर्य रखें, चने के अंदर भाव आ सकते हैं जी। अखिलेश जी, तो यानी कि चना व्यापारियों को और किसानों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह है रहेगी कर्नल अजय जी की तरफ से। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा और थोड़ा होल्ड करके रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और जो पेशेंस है, जो धैर्य है, आपको ये चने में तेजी का फल जरूर मिलेगा, ऐसा कर्नल अजय जी का मानना है। कर्नल अजय जी, यहां से अगर रुख करें नॉन एग्री कम्युनिटीज की ओर, तो आपको क्या लगता है आज सोना चांदी का बाजार कैसा रहेगा? ज्योतिष क्या कहती है, क्या सोने और चांदी में आज चमक बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, सोने चांदी के अंदर कल तीव्र गिरावट दर्ज हुई और कल सोने चांदी के अंदर तीव्र गिरावट दर्ज हुई लेकिन बेस मेटल्स के अंदर लगभग पैक मजबूती से घटा रहा, जिसका अग्रिम अनुमान और विश्लेषण आपको हमने अपने कल के मॉर्निंग शो में दिया था। चाहे वो निकल हो, जिंक हो या फिर कॉपर हो, उसके ऊपर एक गिरावट का असर नहीं आया। मुझे लगता है कि आज भी बेस मेटल मजबूत रहेंगे और मैं यही कहूंगा जो शॉर्ट अल्पावधि के ट्रेडर हैं वो बुलियन से नजर हटा के यदि मेटल्स पे नजर रखें, बेस मेटल पैक चाहे जिंक हो, निकल हो या कॉपर हो, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। शॉर्ट अवधि के अंदर कमाई के मौके मिल सकते हैं जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है आपको। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर शेयर बाजार की, तो हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में उठापटक का माहौल कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल भी गिरावट के साथ खुले थे और गिरावट के साथ बंद हुए थे, वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती नजर आ रही है और आज भी देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या आज शेयर बाजार में कुछ उछाल देखने को मिल पाएगा? क्या उछाल संभव है इस उठापटक के बीच में और वो कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है?
देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कल हमने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स से दूर हट जाओ, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखो। मेटल स्टॉक तेज नजर आ रहे हैं, कल वेदांता ने 5% की बड़ी जंप की गिरते बाजारों में। आज भी मैं यही कहूंगा कि आपका ये प्रश्न था कि ये वॉलिटिलिटी हो रही है तो ये क्यों हो रही है। देखिए FIs जो हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार रिक्वाली कर रहे हैं, इससे बाजारों के अंदर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। लेकिन ये मुझे कहना है कि जब आप ऐतिहासिक स्तरों के ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी को आप देखते हैं, उसके बाद एक मुनाफा वसूली आती ही है, तो इसलिए बिल्कुल हैरान और परेशान मत होइए। इसके अंदर ये एक मामूली हेल्दी करेक्शन है, और हेल्दी करेक्शन हमेशा आपको मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि जो स्टॉक आपने पहले नहीं खरीद पाए तेजी की वजह से, अब उसके अंदर कुछ गिरावट जब आती है तो आप उसमें नजर रख सकते हैं। तो आज आपको मेटल स्टॉक्स के अंदर क्या वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, इनके ऊपर नजर रखनी है। और जो निवेशक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नीचे भाव में माल मिल जाए, इसको हम महीने दो महीने तीन महीने रख के अच्छा मुनाफा कमा लें, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो दो चार स्टॉक्स मैं सरकारी कंपनियों के आपको से चर्चा करना चाहूंगा, जो निचली अवस्था में आपको खरीदता आप उसमें नजर रख सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे आप नजर रखें, अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर मूवमेंट बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके ऊपर भी नजर रखें। निचले स्तर पे आप माल मिलता है तो आप आराम से लीजिए क्षमताओं के अनुसार। एक और महत्वपूर्ण मैं चर्चा कर रहा हूँ, पीडी लाइट इंडस्ट्री मार्केट लीडर है, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। निचले स्तर पर माल मिलता है, आप लीजिए धीरे अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। शेयर बाजार हो या फिर कम्युनिटी बाजार या फिर करेंसी बाजार हो या फिर कृषि जी, महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपका सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ द कम्युनिटी क्या है, और आपकी कैपेसिटी होल्डिंग कितनी है, और आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी जो आप रिस्क लेते हैं उसके आधार पर ही आपकी कमाई होती है, उसका रेशो आप क्या बना के चलते हैं। तो यदि आप इसके अंदर बीच में सामंजस्य बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिस्क बहुत कम होगा और आप कमाते हैं। व्यापार हो या व्यवहार हो, इंडस्ट्री हो या फिर दुकान हो या मंडी के अंदर कारोबार हो, रिस्क तो हमेशा रहेगा। यदि व्यापार में रिस्क नहीं हो तो व्यापारी कोई हर व्यक्ति व्यापार कर ले, हर व्यक्ति ट्रेड कर ले, तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिस्क और रिवार्ड की जो थ्योरी है उसको आप सामंजस्य बना ले, आप हमेशा जीतेंगे। इसके अतिरिक्त अपना स्टॉप लॉस और अपना मुनाफा का टारगेट ये भी आप थोड़ा सा निर्णय कर लें। मुनाफा का क्या टारगेट ना निश्चित करें, लेकिन यदि ट्रेड आपके विपरीत जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखें। और एक महत्वपूर्ण और मैं चर्चा रख ले जी आपके आपके जरिए मार्केट टाइम के सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, देखिए अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं से बहुत आगे बढ़ के काम करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर लिवरेज करना, 10 लाख की कैपेसिटी वाला व्यक्ति 10 करोड़ का काम करना, 1 लाख की कैपेसिटी करने वाला व्यक्ति 10 लाख का काम करना, या 10,000 की कैपेसिटी का करने वाला व्यक्ति 5 लाख का काम करना, 10 लाख का काम करना, 10 से 15 गुना काम करना, ये किसी भी तरीके से एडवाइजेबल नहीं है। NCDX MCX सिर्फ आप उन लोगों के लिए मुनासिब है जो मार्केट को समझते हैं, ये अपने उपलब्ध माल को हैज करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन सट्टाबाजी किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी रूप के अंदर एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होती है। जी अखिलेश जी, जी तो जाते जाते कर्नल अजय जी ने काफी अच्छी बात कही है कि ओवर ट्रेडिंग से बचें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो तय करें और तभी आगे बढ़े। ज्यादा लालच भी सही नहीं रहता है, तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी क्षमता को पहचानें और ट्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक एक छोटी सी कम्युनिटी बाजार की पेशकश कि कम्युनिटी बाजार कैसा रह सकता है, कौन सी राशियों में मुनाफा लिखा है और किन कम्युनिटीज में बच के चलना सही रहेगा। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।